तो 1K के होने की खुशी में आज हम बहुत खुश हैं, इसलिए जो मेरा जितना हमको अभी तक पता चला है कमेंट सेक्शन में, तो मुश्किल से 5-6 बंदा गेमिंग गेम खेलता है वो यहाँ पे आ रहा है देखने के लिए। तो उन लोगों के लिए ये सरप्राइज़ है, सब लोग एक ही कोड इस्तेमाल करेंगे यार, अपने प्रति ऑनेस्ट रहेगा। ये कोड दिखा रहे हैं, इसमें जाके गूगल प्ले स्टोर में जाके रिडीम कर लेना, एक बंदा एक ही कोड रिडीम करेगा, ठीक है ना। और जो लोग मानवा फैन है वो यहाँ आके, आपके लिए मैं आज ही एपिसोड ले आया, तो दोनों को सरप्राइज़ मिल गया, तो इसलिए बोल रहा था कमेंट करने के लिए, कमेंट से पता चल जाता है कितना बंदा क्या है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एपिसोड 31। तो अनदर वर्ल्ड के एपिसोड 30 में आप लोगों ने देखा था कि नेचुरल मार्शल बॉडी के बारे में बता दिया जाता है और अपन का 31 स्टार्ट हो जाता है। तो 31 के एपिसोड में हम लोग को दिखाया जाता है, सब लोग खाना वाना खा रहा होता है वहाँ पे पार्टी में, और अपना वो तीनों बंदा भी खा रहा होता है, और अपना जो चियोपंग वो लड़की के साथ बैठ के भी खा रहा होता है। जिन देख रहा होता है, और मुजिन भी देख रहा होता है, शांत होता है। जिन देखता है क्या, उसका बड़ा भाई और जो फायर किंग है दोनों एकदम पी के टली होता है। उसका बड़ा भाई बोलता है क्या, मेरे लिटिल ब्रदर लवली ब्रदर लवली ब्रदर। फायर किंग बोलता है क्या, तुम यहाँ पर लेट हो, तुमको जल्दी आना चाहिए था ना। जिन भी सोचता है साला दोनों टली है। और जिन बोलता है क्या, मैं जितना बजे आना था मुझे आ ही गया। तो फायर किंग उधर से बोलता है क्या, ज़्यादा बकवास मत करो तुम, मैंने सुन लिया था तुमने ये बोल रहा था कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक तुम यहाँ नहीं आओगे। तो जिन सोचता है मन में, इसको सारा चीज़ मेरे बारे में कैसे पता चल जाता है। उधर से मुझे भाग रहा होता है, तो फायर किंग बोलता है क्या, तुम कितना भी कोशिश कर लो, मैंने उंगली में ही नाचोगे तुम, अपना उंगली दिखा के। और बोलता है ये लो पियो। तो जिन बोलता है क्या ठीक है, तो ये लेके पीता है जिन। तो बोलता है आह मज़ा आ गया। तो फायर किंग बोलता है ये लो एक और लो। जिन बोलता है ठीक है और पीता है। तो फायर किंग बोलता है लो एक और लो। जिन बोलता है फिर से। फायर किंग बोलता है हाँ कैसा लगा। जिन बोलता है मस्त है ये लो एक और लो। ये कर करके पूरा जो बाटली होता है बाटली ख़त्म कर देता है जिनका। जिन भी बोलता है कि क्या हो गया आज इसको, आज मैं इसको इतना क्यों पिला रहा है ये। फायर किंग बोलता है क्या, इतना पी लिया ना, रुको मैं और लेके आता हूँ, तुमको इतना होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो जिन भी सोचता है कि चलो मुझको मज़ा आ गया, आप लगता नहीं है कि मुझको मेरे पे गुस्सा है। तो उधर से वो दूसरा बंदा आता है, बोलता है क्या, क्या मैं आपके साथ बैठ के पी सकता हूँ। तो जिन देखता है उसको, तो उधर से दिखाता है, बोलता है कि मैं बुलगोन हूँ ये फैमिली के सोंगडोंग जगह से, तो मैं जो हेवेनली मार्शल एकेडमी है वहाँ पे इंस्ट्रक्टर हो। तो जिन भी बोलता है कि हेवेनली मार्शल एकेडमी जहाँ पे मेरा सेकंड ब्रदर है। तो बोलता है हाँ हाँ आपका ब्रदर जो अभी आइसोलेटेड ट्रेनिंग में है ना, तो मुझको यहाँ पे भेजा गया था कि उसको लेके आने के लिए, और मुझको यहाँ पे आके पता चला कि वो आइसोलेटेड ट्रेनिंग में चला गया है। जब वो यहाँ से निकला था अपना एकेडमी से, तो उसको बताया था कि मैं कुछ ही दिन में आ जाऊँगा अपना फैमिली के पास से, लेकिन वो तो आया ही नहीं, इसलिए एकेडमी मुझको भेजा यहाँ पे लाने के लिए। तो जिन भी बोलता है क्या, हाँ वो तब तक ट्रेनिंग छोड़ेगा नहीं जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाता है। तो अपना ब्रदर भी बोलता है क्या दूसरा बंदा कि हाँ हाँ मुझको भी ये लगता है। तो उधर से फिर बोलता है कि ठीक है आपके बारे में क्या ख्याल है। जिन बोलता है क्या मतलब, तो बताता है क्या कि आप हमारे एकेडमी के स्टूडेंट बनना चाहेंगे। तो ऐसे तो अपना अभी एडमिशन फॉर्म ख़त्म हो गया, लेकिन मैं आपके लिए स्पेशल अरेंजमेंट कर सकता हूँ। तो जिन बोलता है क्या, तो उधर से आगे बंदा बताता है कि अगर आप फायर किंग से सीख रहे हैं तो उसको इग्नोर कर दीजिए। जिन भी मनुष्य सोचता है कि हाँ हेवेनली मार्शल एकेडमी में, तो इसके बारे में सोचा क्यों नहीं, ये एकेडमी तो वन ऑफ द मस्त मस्त बंदे से भरा हुआ है, तो यहाँ पर मुझे मरने का भी टेंशन नहीं रहेगा, और यहाँ पर हम मार्शल आर्ट ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, वो बहुत अच्छा अच्छा टीचर्स है जो वर्ल्ड वाइड देखो ज है, और मैं अगर कुछ अपना लेवल रिक्वायर कर लूँगा तो मुझको बहुत सारा मार्शल आर्ट सीखने का भी मिलेगा, ऊपर से हाई लेवल का मार्शल आर्ट, और मैं अपना सेकंड ब्रदर जैसा ही हाई एडवांस मार्शल आर्ट सीख सकता हूँ। तो मुझको यहाँ से भागने की कोई जरूरत नहीं, अब मैं यही जाऊँगा, ये कर क्यों नहीं पाया, तो चलो यही करूँगा। तो बोलता है कि आप मुझको यहाँ रहने कोई मतलब नहीं, मेरा यहाँ ग्रो हो नहीं पाएगा। तो उधर से आगे बंदा बताता है क्या कि क्या लगता है आप हम लोग स्टूडेंट बन सकते हैं, आपके पास बहुत टैलेंट है, हम लोग का लीडर आपको इन्वाइट करेंगे। तो जिन भी मन में सोचता है क्या कि अगर मैं फायर किंग का डिसाइपल रहता तो अलग ही बात था, लेकिन अभी तो नहीं हूँ ना, इसलिए हेवेनली मार्शल एकेडमी मेरे पास एक चॉइस है। तो जिन बोलता है कि हाँ मैं, तो उधर से गुस्सा हो गया फायर किंग, बोलता है कि उसका ऊपर से हाथ हटाओ अपना, तू भी देख लेता। बोलता है क्या, तो जिन बोलता है गर्म है गर्म है। तो बोलता है क्या हो गया आपको, और उधर से फर्स्ट बंदा बोलता है कि आहा मस्त है गर्म है। फायर किंग एकदम गुस्सा हो जाता है, और अपना वो दूसरा बंदा बताता है गोलम कि आप इतना सडनली ऐसे एक्ट क्यों कर रहे हैं। तो अपना फायर किंग फिर से बोलता है क्या, मैंने बोला ना जो तुम पे बिलोंग करता है उसमें, जो मेरे पे बिलोंग करता है उसमें अपना हाथ नहीं लगाएगा। ये बोल के फायर किंग पूरा गुस्सा हो रहा होता है, अपना पूरा एनर्जी रिलीज कर रहा होता है। जिन भी बोलता है क्या मुझसे बिलोंग करता है, मुझसे मतलब क्या है। उधर फायर किंग और गुस्सा होकर बोलता है क्या कि तुमको किसी ने सिखाया नहीं है क्या, दूसरे को चीज़ को टच नहीं करना चाहिए। तो वो भी बंदा बोलता है क्या, इसके लिए मुझको माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं आपको ऑफेंड नहीं करना चाहता था, मैं तो बस जिन ताइक्विन को बस एक अपॉर्चुनिटी देना चाहता था। जिन भी मन में सोचता है क्या कि इसको अचानक क्या हो गया, ये अपना लाइन क्रॉस कर रहा है, हमेशा से ऐसा तो नहीं था। तो फायर किंग आगे बताता है क्या कि अपॉर्चुनिटी अलवा मेरा अपॉर्चुनिटी, तुम तो बस इसको मेरे से छीनना चाहते थे, तुम चोरी करना चाहते थे इसको मेरे से, क्या तुमको लगता है कि मैं ये सब जानता नहीं,
नहीं हो। तो उधर से वो बंदा भी बताता है कि हम चोरी करना चाहते हैं, ये मतलब नहीं है, मैं तो एक यू फैमिली का एक मेंबर हूँ और ऊपर से मैं हेवेनली मार्शल एकेडमी का इंस्ट्रक्टर भी हूँ, जैसा मेरा एग्जीक्यूटिव बोला था करने के लिए वैसा ही मैं किया, तो मुझे कोई पर्सनल फीलिंग्स नहीं है। तो फायर गांव गुस्सा होकर बोलता है क्या कि वो बास्टर्ड एग्जीक्यूटिव को पता नहीं है कि ये किससे रिलेटेड करता है, वो लोग ऐसे ऑर्डर कैसे दे सकते हैं। तो उधर से वो दूसरा बंदा बताता है क्या हम लोग सब जानते हैं क्या कि आपने अपना स्कॉर्चिंग क्लैन का डिवाइन ऑब्जेक्ट इसको दिया हुआ है, लेकिन जहाँ तक हम लोग को पता है कि आपका और इसका रिलेशन मास्टर डिसाइपल रिलेशन देखने से तो नहीं लग रहा है, इसलिए मैं बस इसको सजेशन दिया। तो उधर दोनों हैरान हो जाता है, बोलता है कि क्या, तो सब लोग अपने आप में बात करने लग रहा होता है कि क्या बोल रहा है ये, चुप हो जाओ चुप हो जाओ। तो उधर से आगे से बंदा बताता है क्या कि मैंने तो कभी नहीं देखा कि आपको मास्टर मास्टर करके बुलाता हो, हमेशा ये सर सर करके बुला रहा हो, और ऐसे कौन डिसाइपल को ट्रीट करता है अपना। तो अल्टीमेटली यही लग रहा है कि आपका ये डिसाइपल नहीं, इसलिए मैं इसको एक सजेशन देना चाहा कि मैं अगर ले ले तो अच्छा ही है, अगर आपका डिसाइपल होता तो ये रिजेक्ट कर देता, लेकिन तो रिजेक्ट नहीं किया। तो जिन भी मन ने सोचता है इस साल है तो बहुत शार्प है। तो उधर से वो आगे बताता है क्या, तो क्या आप बता सकते हैं कि आपसे कैसे रिलेटेड है। तो फायर किंग उधर चुप हो जाता था, जिन भी मन में सोचता है कि आप तो आप एक्सपोज हो गए, आप क्या करेंगे, आप इस सारा मामले को आप ही को साफ करना पड़ेगा। तो जिन भी मन में सोचता है कि आप मुझको क्या करना चाहिए, अगर मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा, अब तो जिन फैमिली में कोई आस नहीं आएगी तो गारंटी हो गया, क्योंकि फायर किंग का सपोर्ट जिन फैमिली में, लेकिन यहाँ से मैं अगर बाहर निकलूंगा तो वो जो दूसरे क्लैन के बंदे हैं वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे, फिर हमको और पावरफुल होने नहीं देंगे। तो यही मेरा एक चांस है कि मैं यहाँ से हेवनली मार्शल एकेडमी चले जाओ, उसके अंदर छुप छुप के रहो और अपना ट्रेनिंग करते रहो। तो जिन बोलता है कि तो तुरंत ही है कि मैं इनका डिसाइपल नहीं ऐसे बोलने वाला होता है। तो उधर से फायर किंग बोलता है कि हाँ ये मेरा डिसाइपल है। तो जिन बोलता है क्या, तो उधर से बंदा बोलता है क्या नहीं हाँ है। तो फायर किंग बोलता है क्या मैं इसका अनाउंसमेंट बाद में करने वाला था, लेकिन कुछ लगता है तुमको कुछ इंतजार नहीं हो रहा, इसलिए मैं अभी कर देता हूँ इसका अनाउंसमेंट, तो क्योंकि सारे लोग यहीं पे है तो आज ही मैं सबको क्लियर कर देता। जिन भी बोल रहा है कि एक मिनट एक मिनट, तो फायर किंग जोर से चिल्ला के बोल देता है कि आज मैं पूरे वर्ल्ड को डिक्लेयर कर देता हूँ कि आज से जो हमारा स्कॉर्चिंग क्लैन है उसका लीडर जो मैं 18th लीडर हूँ फायर किंग, वो अपना एक लौता डिसाइपल जिन को बनाने जा रहा, आज से जिन जो है वो स्कॉर्चिंग क्लैन का नया लीडर अगला बार में बनेगा मेरे बाद। तो ये सबको अनाउंसमेंट कर देता है, सब लोग भी हैरान हो जाता है, बोलता है कि हाँ फायर किंग अभी झूठ नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकते है। तो बंदा भी हैरान हो जाता है, बोलता है कि मुझको माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको डिसरिस्पेक्ट किया, मुझको माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको ऑफेंड किया है। वो आगे बोलता है कि जिन आपने पहले मुझको क्यों नहीं बताया कि ऐसा ऐसा बात है, मैं कभी बोलता ही नहीं हेवनली मास्टर एकेडमी के बारे में, तो हेड मास्टर का भी इतना हिम्मत नहीं है कि हमारे साथ जॉन के सामने खिलाफ चल जाए, तो आपको क्या हुआ। इधर देखता है जिनका मुंह एकदम अलग तरह का होता है, जिन बोलता है कि सोचता है मन में कि मैं तो गया अब। तो उधर से फायर किंग बोलता है यू मास्टर क्या हो गया, लगता है कि तुम बहुत एम्बैरेस हो गए हो सबके सामने जो मैं बोल दिया, तो अपने मास्टर को मास्टर बोल के बोलो, आओ मुझको हक दो गले मिलो। तो मन में उसका रेलिपटी का मन से बोलता है कि स्माइल कर चुपचाप, और नहीं तो मैं यहीं पे तुमको ख़त्म कर दूंगा, तो और मुझको हक दो बड़ा स्माइल करो। तो जिन भी स्माइल कर रहा होता है, फिर आगे उस जिन बताता है कि तो यहीं पे ये जो मांगा है ये ख़त्म हो जाता है, और यहाँ पे जो जिन है उसका लाइफ ख़त्म हो जाता है वहाँ पे, उसको फायर किंग अपना डिसेबल बना के लेके चल जाता है वहाँ पे, और अपना सारा काम कराता है, पीटते रहता है मारते रहता है, और कुछ भी मार्शल आर्ट नहीं सिखाता है, फटा फुटाना कपड़ा पहन के रहता है, और जब भी मन किया उसको एक दिन ले जाके खाई के ऊपर से फेंक दिया, वहीं जिन का कहानी ख़त्म हो जाता है। तो जिन ड्राइंग बना बना के दिखा रहा होता है फायर किंग को, फायर किंग बोलता है कि साला ये क्या कर रहा है। तो जिन का ड्राइंग भी देखो कितना मस्त है। तो जिन आगे बोलता है कि तो यही पूरा सिचुएशन हो रहा है। तो फायर किंग बोलता है कि अपना वॉइस मेरे आगे क्यों उठा रहे हो, इतना तुम्हारा हिम्मत, क्या तुम मरना चाहते हो, क्या तुमको लगता है कि मेरे से अच्छा मास्टर नहीं हो सकता, क्या मैं तुम्हारा मास्टर बनने का लायक नहीं हूँ, क्या मैं गलत हूँ। तो जिन भी उधर से बोलता है कि ऐसी बात नहीं है कि आप मेरे मास्टर बनने का लायक नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे कुछ सिखाएंगे नहीं तो फिर डिसेबल बनने में क्या ही दिक्कत है, तो आप तो बस मुझको कुछ चीज ही नहीं करेंगे तो फिर क्या ही फायदा। तो उधर से आगे बताता है क्या इससे अच्छा तो 100 गुना ज़्यादा अच्छा होता है कि मैं मार्शल हेवनली एकेडमी चला जाता, वहाँ पे तो मैं कुछ मार्शल आर्ट तो सीख पाता, आपके पास तो कुछ भी नहीं सीख पाता हो पाऊंगा। तो उधर से फायर किंग उधर से बोलता है कि हाँ जो हेवनली मार्शल एकेडमी बहुत अच्छा प्लेस है, वहाँ पे जाके तुम पक्का बहुत अच्छा अच्छा मार्शल आर्ट सीख सकते हो, लेकिन वो तुमको तुम्हारा हायर लेवल में नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि तुमको पता है तुम्हारे पास जो नेचुरल मार्शल बॉडी है। जिन भी बोलता है क्या बॉडी है मेरे पास, तो उधर से फायर किंग आगे बताता है कि नेचुरल मार्शल बॉडी जो है वो परफेक्टली बॉडी होता है जो हेवन के ऊपर से आता है, वो सारा मार्शल आर्ट सीखने का योग रखता है, वो हमेशा 100-200 साल कभी एक बार बनता है। तो जी बोलता है क्या, तो उधर से फायर किंग आगे बताता है कि हाँ तुम्हारा ब्रदर ब्रदर को भी पता है कि तुम इतना जल्दी जल्दी मन कैसे ले है? तुम 3 महीना से ही ना ट्रेनिंग कर रहे हो, क्या तुमको लगता है कि हार्ड ट्रेनिंग करने से इतना आसानी से कोई ग्रोथ कर लेता है। जी बोलता है कि नहीं मुझको तो नहीं लगता। तो फायर किंग बताता है कि हाँ इसलिए तुम्हारे पास इतना पावर है कि तुम बहुत सारे टेक्निक को मास्टर लेवल टेक्निक को तुम परफॉर्म कर सकते हो, भी आसानी से सीख सकते हो। तो जिन भी शांत रहता है, तो फायर किंग उधर से बोलता है क्या तो क्या लगता है तुमको, तुम अपना इस बॉडी के हिसाब से थर्ड रेट का मार्शल आर्ट सीखना चाहोगे या तुम पीक लेवल का सीखना चाहोगे। तो जिन भी मन में सोचता है
कि मुझको तो ये पता नहीं कि हेवंस का ब्लेसिंग है या क्या है, लेकिन मुझको लगता है ये सिस्टम है, जब से मैं यहाँ आया हूँ तब तो सिस्टम ही सब चीज़ कर रहा है। और जो मेरा जो फिजिक्स है वो तो एक्सेप्शन है ही, वो एक एक्सेप्शन है, लेकिन क्या फायरकिंग गलत ले लिए मेरा बॉडी को देख के? क्या मैं इसको बोलूँ कि कुछ और हो गया? तो फायरकिंग बोलते हैं क्या, ठीक है मैं, मेरा तुम पे दर्द था ना कि तुमने अपने जोपिल को मार के मेरे पे एक एहसान किया, तो मैं उस एहसान के बदले में तुमको जो चाहिए तुमको मांग सकते हो। तुम मेरे से ये भी बोल सकते हो कि कुछ मुझको टेक्निक सिखा दे। तो जिन्हें सोचता है कि हम बारे में हम बाद में सोचे थे कि बाद में आपसे कुछ लेंगे, तो फायरकिंग बोलता है कि अभी अभी सोचो अभी क्या लेना है। तो जिन बोलता है कि अभी सोचो अभी तो बहुत टाइम है ना, तो फायरकिंग बोलता है नहीं अभी का अभी सोचो। तो जिन बोलता है कि क्या, फायर किंग आगे बताते हैं कि इतना फ्रस्ट्रेशन में क्यों है, क्या तुम ये नहीं बोल सकते हो कि मुझे मार्शल आर्ट सिखा दो, ये कर दो वो कर दो? तो जिन भी हैरान हो जाता है, फायर किंग बोलता है कि ऐसा टाइप का कुछ बोल सकते हो, मतलब फायर किंग हिंट दे रहा होता है। तो जिन भी बोलता है क्या ऐसा बात है, तो क्या आप मुझको मेरा अपना डिसाइपल ले सकते हैं? तो फायर किंग चुप हो जाता है, बोलता है क्या कैसा नॉनसेंस बात कर रहे हो तुम, मैं बस अपना अपना जो डेप्थ है वो पूरा करना चाहता हूँ। मेरा क्लैन ऐसा नहीं है कि एक डिसाइपल के लिए बहुत सारा संघर्ष चाहिए, तुम्हारे में क्या खास है जो तुम लेगा? तो जिन बोलता है क्या खास है मेरे में, तो मेरे पास जो नेचुरल मार्शल बॉडी है। तो फायर किंग भी चुप हो जाता है। वहाँ से जिन बोलता है क्या तो क्या होगा अगर सोचिए मेरा जो स्कॉर्चिंग क्लैन का जितना भी एडवांस रैंक का मार्शल आर्ट टेक्निक सारा सीख लूँ मैं इस बॉडी से, तो इमेजिन भी कर सकते हैं कितना ऑसम हो जाएगा? तो फायर किंग भी सुन के बहुत खुश हो रहा होता है कि हम इमेजिन तो कर सकते हैं। तो जिन भी मन में सोचता है कि मैं एकदम डील कर ही लिया था, अगर मुझको ये पता नहीं चलता तो मैं तो एकदम स्टूपिड ही बन जाता। तो उधर से बोलता है जिन ठीक है मैं जा रहा हूँ माउंट वासेक्ट, वहाँ पे तो वहाँ पे जाके जो मैं शॉर्ट सेंटर उससे जाके ट्रेनिंग लूँगा, उनको मैं बताऊँगा कि मेरे पास ये बॉडी है, तो वो भी मुझको ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो फायर किंग बोलता है नहीं। तो जिन बोलता है क्या कि अगर मैं तुमको अपना मार्शल आर्ट दिखाओ सिखाओ तो क्या तुम मेरा अपना जो मेरा पुराना डेप्थ था उसको तुम खत्म कर दोगे? जिन बोलता है हाँ ऐसे आपने मेरे पे बहुत एहसान कर दिया, मेरे पास कुछ नहीं चाहिए, आप मुझको बस अच्छा से सिखा दीजिए मार्शल आर्ट वही काफ़ी है। तो फायर किंग बोलता है ठीक है, तो तुम जो मुझको ऐसे ट्रीट करते हो मुझको अलग ढंग से आप तुमको बोलना पड़ेगा। तो जिन बोलता है क्या कैसे ढंग से मैं आपसे बात करूँ? तो फायर किंग बोलता है कि तो हम लोग आप मास्टर डिसाइपल तो सही में नहीं है लेकिन बन जाए, तो हम लोग को ऐसा बात करना है कि कोई बंदा नोटिस ना करे। तो जिन बोलता है हाँ आप भी सही बोल रहे हो। तो फायर किंग बोलता है तो क्या बोलना चाहते हो? तो जिन बोलता है क्या क्या ये सही रहेगा कि मैं आपको मास्टर बोलूँ? तो जिन फायर किंग सोचता है कि जो भी हमको ऐसे ही मास्टर बोलता था, तो जिन बोलता है कि मास्टर सही है। तो फायर किंग बोलता है कि हाँ ये सही है। तो जिन बोलता है ठीक है जब हम लोग अकेले रहेंगे तो मैं आपको ग्रैंडफादर बोलूँगा। तो फायर किंग बोलता है हाँ चलो ये भी ठीक है। तो ये सुनकर जिन बोलता है ठीक है ग्रैंडफादर समझ गया। तो उधर से आगे बताता है कि कुछ दिन बाद यहाँ से मैं लीव कर दूँगा, तो अपना सामान वामान पैक करके रखना, तुम थोड़ा और स्ट्रांग बन जाएंगे तो यहाँ से निकल जाएंगे। तो जिन बोलता है कि आप मुझको अपना डिसेबल जैसे ट्रीट कर रहे हैं। तो फायर किंग बोलता है कि मैं बस अपना डेप्थ को रिपे कर रहा हूँ। तो उधर से अपना एक उल्लू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फायर किंग अकेले बैठा हुआ होता है, वहाँ पे अपना ड्रिंक भर रहा होता है। बोलता है कि 10 साल हो गया 10 साल, लेकिन ये कितना सुनने में ख़राब भी नहीं लग रहा है मास्टर वर्ड क्या है? चलो इसी तुम्हारे नाम पे एक जाम बना के पीते, ये बोल के उधर मुजिन का जोपिल का नाम सोच सोच के एक जाम बना के पी रहा होता है फायर किंग। फिर हम लोग को अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना फर्स्ट ब्रदर और वीपिंग बात कर रहा होता है। तो वीपिंग बता रहा होता है कि क्या क्या लगता है आपको मैं बस आपका एडमिनिस्ट्रेटर ही हूँ कि आपने मुझको अपना बॉडीगार्ड बना के रख दिया हो? तो अपना फर्स्ट ब्रदर बताता है कि कुछ दिन तक और ऐसा करना पड़ेगा, अभी हम लोग को बहुत काम हो गया। तो वीपिंग बताता है क्या यहाँ प्रोसेस अब तो ठीक ही चल रहा है, जब से हमारा जो अपना फायर हम लोग साइड है तो मुरीम का जितना भी बंदा है हम लोग जिसको जिसको बताए थे सब लोग वहाँ पे आ गए बिना कोई मतलब का, और जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स है हमारे लॉर्ड जो वो भी बहुत खुश हो गए फायर किंग का सिग्नेचर लेके, और जब वो कंप्लेंट नहीं कर रहे तो उसके अलावा कोई भी कंप्लेंट नहीं कर रहा है मुनी वन से, और जो मर्चेंट्स लोग हैं वो यहाँ पे मनी के लिए आया है तो सब लोग अपना बेस्ट कर रहे हैं कॉपरेट करने के लिए। तो उधर से बोलता है हाँ ठीक है चलो अपना बजट का बताओ कितना बजट बता हुआ है? तो अपना वीपिंग बताता है कि कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो बोलता है क्या? तो वीपिंग बोलता है कि हंसते हंसते कि मैं तो मजाक कर रहा था, हमारे पास स्टोरेज नहीं बचा हुआ है कि इतना हमारे पास ट्रेजर हो गया कि उसको जगह नहीं है बचने के लिए, हम लोग का जो 2 गो कैपेसिटी स्टोरेज रूम था वो पहले ही 2 दिन पहले ही भर गया था, इसलिए जो बाकी जो ट्रेजर आ रहा है वो लोग हम लोग दूसरा जगह पर शिफ्ट करवा रहे हैं, तो और ट्रेजर आते जा रहा है आते जा रहा है। तो अपना फर्स्ट ब्रदर बोलता है कि तुमने तो मुझे घबरा ही दिया था, तो बहुत मजाक करने लग गए हो। तो अपना वीपिंग बताता है कि जो रात को अपना फायर किंग अनाउंसमेंट किया था जिन को लेकर, उसके अपना जो जो बंदा सर्टेन नहीं थे कि हमारे फैमिली में जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, हमारे साथ कॉपरेट करेंगे कि नहीं करेंगे, वो भी कॉपरेट करने लगे। तो अपना फर्स्ट ब्रदर बोलता है कि हाँ सियोक फैमिली पे था वो भी बहुत टाइम से क्वाइट था, लेकिन उसके बाद अपने अचानक से मीटिंग के लिए बोलने लगा और बहुत सारा अपना गिफ्ट सब प्रोवाइड करने लगा, सबको पता चल गया कि हमारा फैमिली का पोटेंशियल कितना है। तो अपना वीपिंग बोलता है कि हाँ अब हम लोग का फैमिली बहुत आगे तक राइज करेगा, बहुत सारे बंदे तो गिफ्ट भी अभी तक भी भेज रहे हैं। तो अपना फर्स्ट ब्रदर हंस रहा है। फिर हम लोग सीन दिखाया जाता है
कि फर्स्ट में तो बोलता है कि ठीक है जितना है सब चीज़ को रख लो। तो फर्स्ट ब्रीफिंग बोलता है ठीक है। फिर हम लोग सीन दिखाया जाता है जंगल का, जहाँ पे जंगल झाड़ वाड़ सब रहता है, अपना अपना फायर किंग बैग लाता है, बैग नीचे पटक देता है, और वहाँ पे जिन और फायर किंग दोनों रहता है। तो जिन पूछता है क्या है उसमें, तो फायर किंग बोलता है कि ये इसमें ऐसा चीज़ है जो बाद में तुम्हारे बॉडी के लिए काम आएगा, तुम्हारे बॉडी को बहुत इन्जॉय प्रोवाइड करेगा। तो जिन में सोचता है क्या इसमें वो सब तो चीज़ नहीं है ना कि, तो फायर किंग बोलता है नहीं वो सब चीज़ नहीं है, इस सबको बाद में इग्नोर करो, तो बाद में आएगा काम तो मैं तुमको खुद ही बता दूंगा। तो जिन बोलता है ठीक है तो क्या करना हम लोग को यहाँ पे, तो फायर किंग बताते हैं फाइट में। तो जिन बोलता है क्या, तो फायर किंग बोलता है कि सुनने सुना नहीं मैंने बोला कि मेरे से लड़ो तो अपना पूरा स्ट्रेंथ लगा देना, तो जी मैं तुमको 30 मिनट देता हूँ, 30 मिनट में तुमको मुझको एक कदम पीछे ले जाना है। तो जिन बोलता है क्या, सिस्टम से मैं जाता है डिग्निंग करके कि टेक अ स्टेप बैक, आपका क्विस्ट आ गया, इस क्विस्ट का लेवल है पीक, इसको कंप्लीट करने का बस आप ही के पास आएगा, आपको रिवॉर्ड का पता नहीं और फेलियर का पता नहीं। जिन बोलता है क्या मुझको इनको एक स्टेप पीछे रखना है, तो फायर किंग बोलता है कि चलो स्टार्ट करते हैं। तो बीप बीप करके अपना सिस्टम से मैसेज आता है क्या 30, 29 ऐसे करके अपना काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। तो जिन में अपना स्पेयर लेके अटैक कर रहा होता है फायर किंग से, फायर किंग बच रहा होता है। तो जिन में फायर किंग मन में सोचता है क्या हो गया इस बंदे से, इस बंदे का स्पेयर टेक्निक इतना मस्त है, कोई सोच सकता है कि 21 साल का बंदा जो कि सिर्फ 3 महीने से मार्शल आर्ट सीख रहा है वो इतना मस्त हो गया। तो देखो तो इसको कुछ भी नहीं है, पूरा अपना फॉर्म वॉर्म सब परफेक्ट है एकदम, कोई हेजिटेशन भी नहीं है, एकदम लग रहा है कितना नंबरस रियल फाइट से निकला हुआ है, कितना पावर है इसके पास। तो ये बोल रहा होता था अपना ऐसे बोल के जैसे कूदते हैं ना, तो जिन बोलता है लगता है मैं आपको पकड़ लिया, लेकिन फायर किंग अपना अटैक करता है, बोलता है कि मन में सोचता है कि अभी के करंट एज में करंट डे पे इससे ज़्यादा अच्छा तो मुझको अभी तक कोई नहीं मिला, ये बोल के उसका स्पीड ही तोड़ देता है। वो देखता है जिन जिन पीछे जाता है, बोलता है तो चीटिंग है चीटिंग है। तो फायर किंग बोलता है कि अभी तो स्टार्ट ही हुआ है बच्चे, अभी से तुम चीटिंग चीटिंग क्यों कर रहे हो, अपना पैर नीचे पटकता है और पूरा सारा रॉक निकालता है, रॉक से मार रहा होता है जिनको। तो जिन भी इससे बच रहा होता है बोलता है कि इसको तो मैं हैंडल ही कर लूँगा, और ये बोल के सारा पत्थर उत्थर को सबको हटा देता है। तो फायर किंग बोलता है ओ अब तो देखो, तो आओ मुझको तुमको एक और झटका दिखाता हो। तो वही बोल के जिन भी अपना हमला करने जाता है, दोनों हमला करता है, फिर दिखाता है कि फायर किंग हंस रहा होता है। तो बोलता है कि कौन सोचा होगा तुम उसको डायरेक्ट ले गो हिट पे, तो क्या तुम बुड़बक थे। तो जिन बोलता है क्या मैं बस यही कर ही सकता, तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो दिखा दिया जाता है कि जिनका जो मुँह है मुँह ही जल गया होता है। तो फायर किंग बोलता है कि इस स्टेट में भी तुम ठीक हो तो मस्त है। तो जिन बोलता है कि आपकी वजह से। तो फायर किंग आगे बताता है क्या चलो इसके अच्छा ही है तुमको ब्लॉक भी करने का ताकत तो आ गया। तो जिन बोलता है कि चलिए आपने बोला नहीं था कि बस आप ब्लॉक करेंगे। तो फायर किंग बोलता है कब बोला था मैंने। तो जिन भी चुप हो जाता है। जिन बोलता है क्या कि जो भी बंदा फायर किंग नाम से अपने आप को जाना जाता है उसको तो इतना पावर होना चाहिए, जो अपने ग्रैंडसन के उम्र के बंदे से लड़ रहा है तो कम से कम तो अटैक तो नहीं करेगा, बस ब्लॉक ही करेगा ना। तो फायर किंग बताता है कि यहाँ पे बस जो बंदा अपना ग्रेट ग्रैंडफादर का उम्र का बंदे को अपना स्पेयर मार रहा है तो उसके सामने क्या ही है, तो तुम कैसे कहलाए जाओगे स्लीपिंग डेड ऑफ शांति को जो कि अपना ग्रेट ग्रैंडफादर किया। तो अपना फायर जिन उधर से बोलता है क्या तो क्या आप सुप्रीम पीक लेवल के मार्शल आर्टिस्ट नहीं है। तो फायर किंग बोलता है क्या तुम्हारे पास नेचुरल मार्शल बॉडी नहीं है। तो ये बोलकर दोनों झगड़ा कर रहा होता है। तो जिन बोलता है क्या सीरियसली, तो फायर किंग बोलता है हाँ सीरियसली। ये बोल के जिन एकदम चिढ़ रहा होता है, गुस्सा हो जाता है जिनको। तो फायर किंग बोलता है क्या कर लेगा कुछ है हिम्मत करने का। तो जिन बोलता है क्या इस रेट से तो मैं आपको पीछे ही कर दूंगा। तो फायर किंग बोलता है कि टाइम देखो टाइम बचा कहाँ है, इस रेट में तो चाय पीऊंगा तब तक खत्म हो जाएगा। तो जिन भी देखता है अपने टाइम के 3 मिनट बचा हुआ उसका। तो फायर किंग बोलता है कि लगता है इतना ही तुम्हारे पास पावर था, आप उसको यहाँ से इम्प्रूव करना पड़ेगा तुमको, तुम्हारे पास इम्पावर तो है लेकिन ठीक है। तो उधर से जिम बोलता है कि ठीक है प्रीटी, अगर मैं आपको पक्का ही एक स्टेप हरा दूंगा अगर आप अटैक ना करें सिर्फ ब्लॉक करें, तो छोड़िए क्या ही दिक्कत है, अगर आप एग्री नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है, जाइए ये सब छोड़ दीजिए कि मैंने कुछ ऐसा वर्ड बोला था आपको रेपुटेशन पर लग जाएगा। तो फायर किंग बोलता है तुम लिटिल बास्टर, अपना हाथ पीछे कर लेता है और बोलता है चलो मैं रेडी हूँ लेकिन तुम अपना पूरा 100% देना। तो जिम बोलता है क्या सही में ना आप मुझको हमला नहीं करेंगे। तो फायर किंग बोलता है कि मेरा जो वर्ड्स है वो हजार हजार सोने का गोल्ड का कीमत का बराबर है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा ऐसे। तो जिन बोलता है ठग आ जा। तो फायर किंग बोलता है कि तुम अपना कोई हिडन वेपन्स और पॉइजन यूज़ नहीं करोगे, ठीक है ना। तो जिन बोलता है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा, ये बोल के अपना स्पेयर में स्पेयर क्यों लाता है। तो बोलता है कि ट्रू मैन एकदम ह्यूज हिट देता है। अभी यही बोल के फायर किंग भी देखता है, तो जिन एकदम रेडी हो जाता है, वन स्ट्राइक कर देता है। अब सबको पता है कि वन स्ट्राइक क्या है। तो फायर किंग भी हैरान हो जाता है एकदम कि वन स्ट्राइक का पावर देख के। फिर हम लोग सीन दिखाया जाता है जंगल झाड़ का, जहाँ पे सब लोग देखते हैं इतना बड़ा धमाका कहाँ हुआ है। तब झूल उल हटता है तो दिखाता है फायर किंग का जो हाथ है उसमें थोड़ा सा चोट लगा हुआ रहता है, फायर किंग थोड़ा सा पीछे चला जाता है। तो फायर किंग बोलता है तुम, तो जिन भी देख लेता हैरान हो जाता है। तो फायर किंग बोलता है कि ये तुमने क्या कर दिया, दिखाता है पूरा पीछे का एकदम गुला एकदम खत्म कर दिया होता है। जिन भी सोचता है क्या कि पीक लेवल में आने के बाद मैंने फर्स्ट टाइम ये वन स्ट्राइक यूज़ किया, इतना ज़्यादा पावरफुल मैंने सोचा नहीं था। तो जिन भी बोलता है क्या कि मुझको नहीं लगा था ये इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था। फायर किंग शांत हो जाता है, देखता है कि जिन बेहोश हो रहा होता है, तो फायर किंग जाकर उसको पकड़ लेता है। बहुत अच्छा सीन बन जाता है यहाँ पे। तो जिन बोलता है ग्रैंडफादर, तो फायर किंग बोलता है कि मैं तुमसे बाद में डिटेल सुनूंगा, पहले तुम जाकर रेस्ट करो। तो जिन बोलता है ठीक है, तो फायर किंग बोलता है क्या ठीक है। जिन बोलता है कि मैं जीत गया ठीक हो ना। तो फायर किंग बोलता है एकदम हंस रहा होता है, बोलता है ठीक है मैं लॉस्ट कर गया। सिस्टम में मैसेज आता है डिंग डिंग करके कि आपने वन टेक स्टेप बैक का क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है।
तो आपको लेवल अप मिलता है, ये सब कंप्लीट मिलता है। तो जिन भी बोलते हैं वाह 4 लेवल अप एक ही क्वेश्चन में मिल गया, मज़ा ही आ गया, तो उधर से बोलता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो फायर किंग बोलता है क्या तुम जग गया, ये तुम मुझसे अभी पूछ रहे थे ना झोला में क्या है, तो देखो मैं वही निकाल रहा है, कहाँ गया ये कहाँ गया तुम, क्योंकि अभी यंग हो इसलिए तुम्हारी रिकवरी बहुत फास्ट है, तो चलो हम लोग यहीं से नेक्स्ट स्टेप चलेंगे ट्रेनिंग का। तो जिन बताया क्या ट्रेनिंग सेशन का, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने लेंगे क्या। स्टार्ट करने से पहले क्या आप इसको खोल सकते हैं, मुझको यहाँ से आज़ाद कर सकते हैं। तो वो बोलता है कि मेरा लगता है कि आप मेरा जो बॉडी है उसका एक्यूपॉइंट खत्म बंद कर दिए, इसलिए मेरा हाथ वत काम नहीं कर रहा है, तो मुझको लगता है कि आप तो मेरे भरे किए किए होंगे, क्या आप अभी हटा सकते हैं मेरा। तो फायर किंग बोलता है यहीं रखा था मैं, कहाँ रख गया। तो उसको तीनों चीज़ मिल जाता है। तो बोलता है क्या ये तीनों जो लिक्विड इलेक्जर है ये यंग एनर्जी भरा हुआ, तुमको पता भी है मुझको ये सब खोजने में कितना मुश्किल था। आगे बताता है क्या कि ये बंदा जो है ये फायर स्पीड हब है, ये रेड फ्लावर हब है, ये क्रिमसन फ्लावर हब है, ये नॉर्मल सिचुएशन में तो ये इलेक्ट्रिक का कोई काम नहीं है, लेकिन इसका जो यंग एनर्जी का इफेक्ट है ये बहुत मस्त है, ये तुमको बहुत ज़्यादा यंग एनर्जी देगा, ये 100 साल से एक बार में उगता है, तो तुमको पता है नहीं सब कितना है, तुमको प्योर यंग एनर्जी देगा। और स्कॉर्चिंग लाइन का तो ये मतलब मेन फोकस ही है यंग एनर्जी, तो चलो इसको खाना है तुमको। इसमें दो ही केस हो गया, तुमको बहुत सारा एनर्जी मिलेगा या तो तुम्हारा स्ट्रेंथ लूज कर जाएगा। तो जिन भी मैंने सोचता है कि ओल्ड मैन जो है मेरे लिए एलेक्जर खुद से चूज़ किया गया, तो इसका मैं अभी तक ऑफिशियल डिसाइपल भी नहीं बना, फिर भी ये कितना काइंड हार्टेड है। तो अपना ओल्ड मैन भी बोलता है क्या कि एक एलेक्जर पता है तुमको 30 साल का एनर्जी क्यों एनर्जी दे सकता है। तो आगे बोलता है कि मुझको क्या घूर रहे हो, तो जिन भी देखता बोलता है कि हाँ हाँ दीजिए मैं बस आपके बारे में सोचा था कि आप कितना अच्छे पर्सन है। तो उधर से अपना ओल्ड मैन बोलता है कि मैं क्या अच्छे पर्सन हूँ, मैं इससे अच्छा अच्छा चीज़ अपने लिए साइड रख लिया खाने के लिए। तो जिन बताया ठीक है, तो ओल्ड मैन बोलता है कि हंसो मत, जिन बताया ठीक है ओके ओके, ये बोल के ओल्ड मैन जो होता है अपना फायर किंग वो जिन का गला बंद कर देता है, बोलता है कि अब मत बोलना। तो जिन बोलता है क्या मेरा आवाज़ बंद कर दिया, तो यह कैसे हो गया। तो अपना फायर किंग बताता है कि अब कोई भी केस में मैं अपना तुम्हारा मेडियन खोलने वाला हूँ, तो अपना वही बोल के सब मुँह खोल देता है। जिन बोलता है क्या थोड़ा देर वेट नहीं करता अचानक से कर रहा है। तो फायर किंग बताता है क्या तुम्हारे जो फिजिक्स है बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत सारा इम्प्योर एनर्जी भी है, मैंने सुना है क्या तुम बहुत सौड़ीबाजी करते थे और सारा इधर उधर जाते होते थे, बहुत गंदा गंदा हैबिट लगा होता तुमको कुछ टाइम पहले ही, तो सब निकल जाएगा तुम्हारा जितना भी एनर्जी है गंदा गंदा। ये बोल के तीनों अपना खिला देता है उसको और चबा रहा होता है अपने अपने, बोलता है कि सबको चबाओ 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 और घुट जाओ घुट जाता है वो। तो डिंगिंग डिंगिंग करके सिस्टम में मैसेज आता है कि आपने फायर स्पीड हब रेड फ्लावर हब और क्रिमसन फ्लावर हब खाया है। तो अब फायर के अंदर से बोलता है कि लेकिन ये थोड़ा सा हर्ट करेगा। तो जिनके अंदर दिखाया जाता है कि तीनों एनर्जी जाता है एक दूसरे में मिल रहा होता है, तो जिन बोलते हैं गर्म है, तो फायर बोलते हैं हाँ इसको इंडोर करना, इसको सहना है, ताकत रखना होगा तुमको। दूसरे सिस्टम में मैसेज आता है डिंगिंग करके कि आपका जो मेडियंस है वो सारा खुल रहा है, क्या आप इस क्विस्ट को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ये क्विस्ट को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, फोर्सफुली एक्सेप्ट किया जाता है क्विस्ट। तो उधर से फायर किंग बोलता है क्या पेन जो है वो टेम्प्ररी लगता है लेकिन मार्शल आर्ट हमेशा फॉरएवर रहता है, ये बोलकर अपना क्यों हाथ में क्यों एनर्जी लाता है। जिन भी देखता है फायर किंग अपना एक्यूपंचर पॉइंट स्टार्ट कर देता है, जिनमें ले देता यही करके थोड़ा देर बाद दिखाया जाता है फायर किंग भी थक जाता है, देखता है क्या उसका बॉडी से जितना भी इम्प्योर एनर्जी हो रहा था वो निकलना स्टार्ट हो गया होता है। फायर किंग मन में सोचता है क्या कि सारा प्रोसेस एकदम आसान आसान चल गया, इसका स्पीड जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करने का बहुत इंक्रेजिबली फास्ट है, 30 ईयर प्लस का जो एनर्जी इसको धीरे धीरे करके मिलेगा, लेकिन इसका जो देखो पुराना वाला एनर्जी भी निकल रहा है क्या, देखता है कि सारा एनर्जी जितना इंप्योर है उत्तर उत्तर निकल रहा है। बोलता है फायर किंग में सोचता है क्या मुझे लगा था कि 6 घंटा तो कम से कम लेगा, लेकिन इसका तो 2 ही घंटा में कंप्लीट हो गया, ये नेचुरल मार्शल बॉडी से तो यही एक्सेप्ट किया जा सकता है, ये अपने नाम पे खड़ा रहता तो ऐसा चलेगा, तो जो 30 ईयर का जो एनर्जी है वो भी आराम से एक्सेप्ट कर लेगा, क्या होगा अगर ये नेक्स्ट लेवल पे चल जाएगा। ये सुन के फायर किंग बोलता है क्या मार्शल नेचुरल मार्शल बॉडी होने की वजह से शायद ये जा भी सकता है मेरे हेल्प की वजह से। तो फायर किंग आगे बताता है कि चलो क्या लगता है हम लोग तुम्हारा कंसेप्शन और गवर्नमेंट वेसल ऑन कर दे। तो जिन भी उधर से आँख खोलता है तो उधर फायर किंग बताता है क्या इसमें रिस्क तो है बहुत सारा, लेकिन मेरी मदद से तुम ये कर सकते हो, चलो ट्राई करते हैं, अगर मिस्टेक हुआ तो तुम्हारा खत्म यहीं पे, अगर ठीक हो गया तो तुम्हारा बहुत अच्छा हो जाएगा। तो क्या डिसाइड करते हो, क्या तुमको मेरे पे भरोसा है, अगर भरोसा है तो 2 बार अपना आँख ब्लिम करो। तो उधर से अपना जिन भी आँख ब्लिम करता है, तो फायर किंग बोलता है क्या सोचता है मन में कि बिना हेजिटेशन के ब्लिम कर दे, क्या इसको मेरे पे इतना भरोसा है। तो फायर किंग बोलता है ठीक है चलो रेडी हो जाते हैं। तो सेशन में जाता है डिंगिंग करके कि आपका जो क्यों इन्वेस्टमेंट है वो स्टार्ट होने वाला है। तो उधर से जिन भी बोलता है क्या ये क्या हो गया, मैंने तो बस एक बार ये आँख मारा था कि मुझको नहीं करना है, लेकिन उधर से ना फायर किंग अपना एनर्जी जिनके अंदर भेज रहा होता है, जिनका वही पॉइंट यार QI पॉइंट नहीं कंसेप्शन पॉइंट नहीं है, जहाँ दर्द करता है यार दो लड्डू के बीच में, तो वहाँ पे फोर्सफुली ओपन कर रहा होता है, तो जिनका भी एकदम जन्नत निकल जाता है, एकदम आ करता है, पता है ना उसमें चोट लगता है तो कितना जोर से लगता है। जिन बोलता है कहाँ प्लेस है, उधर देखा जाता है एक बच्चा रो रहा होता है, जिन बोलता है कि एक बच्चा तुम क्यों रो रहे हो, तो उधर से बच्चा पीछे देखता है बोलता है कि डैडी मैं बाहर नहीं
जाऊंगा, आपने मेरा बहुत अंदर में रहने पे मेरे बहुत परेशान किया, मैं बाहर आऊंगा तो आप क्या क्या कर दोगे। तो जिन बोलता है कि फायरिंग जगो जगो जगो, तो जिन भी अपना आँख खोलता है बोलता है क्या मैं मरा नहीं अभी तक, अभी तक मैं जिंदा हूँ। तो फायरिंग बोलता है कि इसको ऑब्जर्व करो, तो जिन बोलता है क्या मैं मरूंगा नहीं, इसको ऑब्जर्व करना, इतना हार्ड कंडीशन में मैं सर्वाइव किया हूँ, तो इस कंडीशन में तो मर ही नहीं सकता, इतना दूर मैं नहीं आया मरने के लिए। ये बोल के अपना जो क्यू एनर्जी होता है वो भी निकालता है, और वो जो तीन एनर्जी होता है तीनों एनर्जी को लेकर के जो फायर किंग के साथ जो एनर्जी आ रहा होता है वो तीनों में मिला के जा रहा होता है, जिनका वही कॉन्सेप्चुअल वाला वेसल में जहाँ ब्लॉक रहता है वहीं पे जाके उस पर लग जाता है, और लगता तो दोनों आ करता है, और वहाँ से जिनको जन्नत प्रोवाइड हो जाता है। फिर सिस्टम में ऐसा आता है डिंग डिंग करके, ये आपने अपना जो वेसल था उसको खोल लिया, कंसेप्शन वेसल खोल गया, आपको रिवॉर्ड मिला, यही है। जिन बोलता आहा यही जन्नत है, वाह 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 क्या मस्त जन्नत है, इसके लिए तो मैं इतना जो कहा मैंने ये सब तो वर्दित है। तो फायर किंग से बोलता है कि चलो तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, तुम सारा चीज़ इंडोर कर लिया। तो जिन भी मन में सोचता है ग्रैंड फादर मेरे लिए आपने इतना हेल्प किया, मैं आपका इतना सारा रिपे कैसे करूंगा, ये देख के जिन ग्रैंड फादर को देख रहा होता। तो उधर से ग्रैंड फादर बोलता है क्या चलो तो तुम्हारा गवर्नर वेसल भी ऑन करते हैं। तो जिन थोड़ा शांत रहता है, तो फायर किंग बोलता है क्या क्या सोचते हो। तो जिन मन में सोचता है नहीं नहीं नहीं, और बहुत ज़्यादा बात अपना आँख ब्लीम कर रहा होता है कि नहीं नहीं मुझको नहीं करना, मुझको थोड़ा देर बाद में करेंगे इधर से। तो फायर किंग बोलता है देखो तुम कितना एक्साइटेड हो, तो चलो करते करते इतना मरने के लिए तुम फिर से तैयार हो, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिन बोलता है एक मिनट तक रुको, लेकिन आ करता है उधर से स्टार्ट होता है। फिर थोड़ा देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिन का प्राण एकदम निकल रहा होता है। तो फायर किंग बोलता है इस बार मैं एकदम थक गया। फिर समय मैसेज आता है क्या कि आपने जो गवर्निंग वेसल है उसको भी खोल दिया है, तो आपको बहुत सारा ये मिल रहा है रिवॉर्ड्स मिल रहा है, ये आपका अब कंसेप्शन और गवर्निंग वेसल खुल गया। फिर फायर किंग भी हाँफते हाँफते बोलता है कि सबसे पहले तो मुझको लगा कि हेवेंस ने इसको मार्शल नेचुरल मार्शल बॉडी क्यों दे दिया, बेकार में सोते थे, लेकिन अब मैं जब इसके साथ रहा था मुझको पता चल गया कि इसके पास पेन सहने का बहुत ताकत है। ये लगातार दो बार वो भी रूम में इतना पेन सह लिया, इसका जो फिजिक है वो तो स्ट्रांग है लेकिन इसका जो मेंटल माइंड है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये देख रहा होता है कि इसका हाथ कपकपा रहा होता है, तो ये अपना हाथ को रोकता है और बोलता है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, लेकिन ये मेरा बॉडी में कुछ और साल बस तैयार लग दे, मुझको बस कुछ और साल जिंदा रख ले, मुझको एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, मतलब जिनको ट्रेन करना है। फिर आगे दिखाया जाता है एक बड़ा सा चांद में, जिन देखता है उसको बोलता है हाँ क्या मस्त लग रहा है, आज तो पूरा दिन गार्डन गार्डन लग रहा है, एकदम चमकीला चमकीला सारा जगह एनर्जी लग रहा है एयर में, क्या मैंने बहुत लंबा देर तक सोया था, मेरा जब से कंसेप्शन और गवर्निंग वेसल खुला तब से तो मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ। उधर से अपना फायर किंग बोलता है क्या तुम जग गए हो, तो जिन भी उधर देखता है बोलता है हाँ ग्रैंडफादर मैं जग गया हूँ। तो फायर किंग बोलता है ठीक है, तो ग्रैंडफादर बोलता है क्या, जिन बोलता है क्या कि आप और बूढ़े हो गए। तो फायर किंग बोलता है कि यू लिटिल बास्टर्ड। तो जिन अपना ग्रैंडफादर को देखता है और बोलता है कि आप मैं जान गया हूँ कि आपसे स्ट्रॉन्गर अभी तक कोई नहीं है जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो ग्रैंडफादर उधर से बोलता है फायर किंग कि अपना बकवास बंद करो, तो कैसा फील कर रहे हो। तो जिन बताता है मस्त फील कर रहा हो, तो उधर से ग्रैंडफादर भी बोलते हैं क्या मस्त फील करोगे, पता है ना करने में मुझको कितना मुश्किल हुआ था, मेरा मतलब कितना आसानी से हो गया था ये। तो जिन चीज़ शांत रहता है, तो फायर किंग बोलता है क्या क्या मतलब है शांत रहने का, क्या मैं सच तो बोल रहा हूँ। तो जिन बोलता है मैंने कुछ बोला ही नहीं है। तो फायर किंग बोलता है कि तुम मुँह ऐसे क्यों बना रहे हो। जिन मन में सोचता है कि इतना स्ट्रांग तो है लेकिन मेरा माइंड हमेशा पढ़ लेते हैं। तो उधर से फायर किंग बोलता है मुझको ऐसा मुँह वाला बंदा एकदम पसंद नहीं है, तुम्हारे भाई को देखता है हमेशा डेली, देखो अपना ड्यूटी छोड़ के यहाँ आ जाता है, तुमको देख के अपना सारा फिजिशियन को लेकर आ जाता है, अगर मुझको पहले पता रहता तो मैं तुमको उसी के पास देता, मैं उसको बताता ही नहीं कि तुम क्यों इसमें सोए हुए हो 7 दिन से। तो जिन बोलता है क्या पूरा 7 दिन से। तो फायर किंग बोलता है कि बस तुम्हारे केस में 7 दिन, वह सारे बंदे को कम से कम तो 1 महीने लगते हैं, कि जो नेचुरल मार्शल बॉडी हो बहुत अच्छा है, मुझको तो यही लग रहा है। तो जिन बोलता है क्या ये गुड नहीं है, क्या ये साइड इफेक्ट है। तो फायर किंग गुस्सा हो जाता है, बोलता है क्या मैंने इतना सारा ट्रबल कॉज किया, तुम्हारा कंसेप्शन गवर्निंग बॉडी ऑन किया और तुम बोल रहे कि साइड इफेक्ट है। तो जिन उधर से बोलता है कि अभी आपने नहीं बोला कि बहुत आसान था आपका चुटकी का खेल था। तो फायर किंग उधर से शांत हो जाता बैठा रहता है, फिर चिल्ला के बोलता है जो भी केस था लेकिन फिर भी तुम ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मैंने है ना जो भी किया मैंने, तुम अपना जाओ नया बॉडी है तुमको जाके उसको परफॉर्म करो। तो जिन भी मन में सोचता है कि हाँ अब तो नया बॉडी आ गया, मैं जो कंसेप्शन और जो कवर्निंग वैसे वो भी खुल गया, मैं जो अपना इतना थक गया था मेरा मेंटल माइंड कि इतना 1 सप्ताह तक सोया रहा, मेरा लेवलिंग अप भी हुआ है, तो चलो एक पूरा होल वीक तक सोया। तो बोलता है कि चलो चलते हैं। तो फायर किंग बताता है कहाँ आ जाना है। तो जिन पूछता है कि गैदरिंग खत्म हो गया, तो फायर किंग बताता है कि 3 दिन पहले ही गैदरिंग खत्म हो गया, और वो क्या नाम था उसका बुलजोन, वो अभी तक यहीं पे है। तो जिन बताया क्या अभी तक गया नहीं है, वो मेरे सेकंड ब्रदर के लिए रुका होगा, वो आइसोलेटेड ट्रेनिंग के लिए। तो फायर किंग बताया जाओ उसे से पूछ लो। जिन बताया क्या गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं नहीं पूछूंगा, मैं आप पे बिलीव करता हूँ। तो फायर किंग बताया मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वो गेट के सामने ही खड़ा है, जिसलिए बोल रहा हूँ। तो जिन उधर देखता है कि अपना फर्स्ट ब्रदर और वो जो आता है दोनों, तो उधर से दोनों चाय पीता होता है, तो सब लोग बैठा रहता है। तो बोलता है कि मैं यहाँ पे आपको
आपको ग्रेट सेलेस्टियल बैंकेट में बुलाने के लिए आया हूँ। ये बैंकेट पूरे जो मार्शल आर्टिस्ट है वहाँ पर गैदर होते हैं और अपना मार्शल आर्ट को दिखाते हैं। तो वहाँ पर जितना भी तीन साल, दो से तीन साल में एक बार ये होता है, तो अपना फायर की मतलब अलवा वहाँ पे इतना सब लोग शो ऑफ करते हैं, बस सबको पावर चाहिए, उसको बंद सबको अच्छा लगता है, कोई दिखाता नहीं है। तो मैं 40 साल पहले यहाँ पे गया था, सारा सेम सिचुएशन है। तो हम लोग डिमोनिक कल को जब से हराया है तब से ज़्यादा देर भी नहीं हुआ, लेकिन हम लोग देख रहे हो अभी से अपना पावर को शो ऑफ कर रहे हैं। तो जिन बोलता है कि आप वहाँ पे गए बैंकेट, क्या आपको जाने का मन नहीं था फिर भी आप क्यों गए, तो फायर किंग बोलता है कि क्योंकि मुझे किसी ने बोला था कि वहाँ पे जाके अटेंड करने के लिए। जिन भी मन में सोचता है कि ऐसा कौन सा बंदा है जिसके बाद फायर किंग भी नहीं छोड़ सकते, तो जिन उधर फायर किंग बताता है कि वो मार्शल गॉड था। तो जिन भी चुप हो जाता है कि साला ये तो है मार्शल गॉड। तो फायर किंग उधर से बताता है कि मार्शल गॉड था जो वो अकेले वो ही बंदा था जो ग्रेट सेलेस्टियल बैंकेट को ऑर्गेनाइज किया था, और उसी की वजह से मैंने भी पार्टिसिपेट किया था। वो पहला और आखिरी बार वो जगह था जहाँ पे एक गॉड, तीन सेंट्स और दसों किंग सब एक प्लेस पे आए हुए थे। तो सब लोग शांत होता है, तो बताता है फायरिंग कि कैसा चल रहा है उसका। तो उधर से दूसरा बंदा बताता है कि बहुत टाइम से तो दिखे नहीं है, तो अभी उसका कुछ नेगेटिव रिमर्स फैल रहा है। तो फायरिंग बोलता है क्या क्या तुमको लगता है कि मार्शल गॉड मर गया है क्या अलवा, दिमाग में तुम्हारा कुछ टट्टी उट्टी घुस गया है क्या, अभी कुछ भी सोच सकते हो, उसको मारने वाला कौन है। तो उधर से फायरिंग बोलता है क्या तुमको क्या लगता है उस बैंकर में जाओगे तुम, वहाँ पर बहुत सारा मार्शल आर्ट आएंगे पूरा वर्ल्ड के, तो उसमें तुम्हारा स्टेटस बढ़ाने के लिए ठीक ही रहेगा। तो जी बोलता है मैं उतना स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं तो बस स्ट्रांगर बनना चाहता। तो फायर किंग सोचता है क्या। तो उधर से जिन आगे दूसरा बंदा आगे बताता है क्या इसका मतलब, क्या तुम बैंकेट में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। तो जिन बोलता है क्या इसका मतलब नहीं कि जा रहा हो कि नहीं जा रहा हूँ, मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक मैं अपना खुद का करंट सेल्फ से ज़्यादा स्ट्रांगर ना बन जाऊँ। तो फायर किंग उधर से बोलता है तुम अभी भी यंग हो और तुम्हारा बॉडी जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया अभी का एज में, तो तुमको क्या फेम और ये वेल्थ नहीं चाहिए मॉडर्न वर्ल्ड में, क्या इसके कुछ करना नहीं है। तो उधर से जिन बोलता है क्या वेल्थ और फेम तो इससे क्या इंपॉर्टेंट भी है। तो फायर किंग और हैरान हो जाता है, दूसरा बंदा भी हैरान हो जाता है, फर्स्ट बंदा तो ऐसा रहता ही है। तो उधर से फिर जिन सोच रहा होता है मन में कि क्या करूँ मैं, कुछ टाइम पहले तो मैं एफ रैंक का था, मेरा पूरा विश था कि मेरा पूरा जज्बा था कि मैं बस ई रैंक का बंदा बन जाऊँ। जब मैं मुड़ी वर्ल्ड में आया तो जब फर्स्ट टाइम मैं मुजिन से मिला तब मेरा टारगेट था कि मुजिन को हराओ, जब मैं मुजिन को सरपास कर दिया तो मेरा टारगेट था कि मैं प्रैक्टिस करके अपने आप को सर्वाइव करने लायक बनाया। जब मैं सर्वाइव करने लायक बन गया फिर भी मैं अपना ट्रेनिंग नहीं छोड़ पाया, मैं अपना क्वेश्चन खोजते रहा, फिर मुझको एक क्वेश्चन मिला जहाँ पे चुपेंग बताया था कि हम लोग मार्शल आर्ट क्यों करते, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार है। तो जिन सोचता है कि हाँ क्योंकि स्ट्रांग बनना मुझको बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं मार्शल आर्ट करता हूँ। तो इसलिए और बोलता है क्या कि मेरे मुझको क्या टेंशन है मरने का, मेरे बगल में तो इस पूरा वर्ल्ड का वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट बंदे में से एक बार बैठे हुए मेरे बगल में, क्या ही कौन मुझको कर लेगा। तो उधर से फायर किंग बोलता है कि चलो कल सुबह आना मेरे साथ, मेरे को मिलना आता। जिन भी सोचता है कि कल सुबह का मैं इंतजार नहीं कर सकता, बस छः घंटा बचा हुआ है इस दिन ख़त्म होने के लिए। तो मेरे हिसाब से तो ये दिन जो बस 6 घंटा है, इस रात मेरा हाईएस्ट 6 घंटा होगा, पूरा लंबा लात होगा, ये बोल के वहाँ से लॉग आउट कर देता है। डिंग डिंग करके मैसेज आता है, फिर वो जो मेन वर्ल्ड होता है वहाँ पे अपना नींद खोलता है तो उसको कुछ चीज़ का स्मेल आता है। तो जाके देखता है कि क्या एकदम चाउमीन बना हुआ है, तो बोलता है मज़ा ही आ गया डिलीशियस चाउमीन, ये बोल के खच 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 करके खा रहा होता है। उधर से दूसरा बंदा आता है, बोलता है कि ये लो ऑमलेट भी है। तो बोलता है कि हाँ थैंक यू थैंक यू। तो बोलता है कि क्या तुमको राइस चाहिए, तो बोलता है हाँ राइस चाहिए। तो उधर बोलता है कौन है ये, तो उधर देखता है तो देखता है कि उधर उसका जो दोस्त है जिन्हों वो भी आया हुआ होता है। तो बोलता है ये लो क्या एक कप राइस मिला दो ना। तो उधर से वो बोलता है क्या कि क्या हो गया तुमको। तो उधर से बताता है क्या कि मैंने तुमको बहुत उकसाने की कोशिश किया, तुम लोग इतना ड्रीप स्लीप में सोए हुए थे कि तुम उठ ही नहीं रहते इसलिए मैंने तुमको छोड़ दिया। तो उधर से अपना जिन बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो यहाँ पे, यही बोल के हमारा ये ख़त्म हो जाता है पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट परसों या कल देखते हैं यार, जब टाइम मिले कल या परसों देखते हैं यार। ठीक है, तो सब लोग एक एक कोड ही रिडीम करेगा, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं करेगा यार, ऑनेस्ट है ना यार, ये ऑनेस्ट है ना यार, समझिए ना, हाँ समझ गए ना। तो अच्छा अच्छा कमेंट कर देना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो सी यू सून। रुको 40 मिनट कर दे, कोई शायरी की सुना है क्या। चलो तो यार ये अभी हम देखे कि एक बंदा आ रहा था कमेंट करते करते कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो जो मेरा वीडियो शुरू से देख रहा है तो वो सारा वीडियो में जो कमेंट करके आता है ना, हम मज़ा ही आ जाता है हमको पढ़ने में। कमेंट करते रहना यार और शेयर कर देना यार, मज़ा ही आ गया लेकिन 1K होने या खुशी में ना, मज़ा बहुत मज़ा आ गया। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो सी यू सून, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वाह वाह।